रुबाब, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। आज बाबा और पप्पू के चेहरों पे जो खुशी है ना, उस मुस्कुराहट और सुकून की वजह सिर्फ तुम हो। आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपनी गलती की तलाफी की है। पप्पू मेरी वजह से घर छोड़ के गई थी, मेरी ही जिम्मेदारी थी उनको वापस लाना। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। रबाब, क्या हुआ, आप अब तक जाग रही हो? कुछ नहीं, वो पानी पीने आई थी, रूम में पानी नहीं था, नींद नहीं आ रही थी। आप क्यों नहीं सोई? मैं तो ऑलमोस्ट सारी रात जागती हूँ, आदत है मुझे। लेकिन अभी एक अधूरी पेंटिंग को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी, थकन हुई तो सोचा कॉफी बना लूं। मैं बनाऊं आपके लिए कॉफी? तुम बनाओगी? बहुत अच्छी तो नहीं बनाती, लेकिन आपको पसंद आएगी। और मुझे आपसे बहुत जरूरी बात भी करनी है। अच्छा तो कॉफी बना लो, बाहर ले आओ, हम बात कर लेते हैं। जी। थैंक यू। अब बताओ क्या चीज़ है जो तुम इतना बॉदर कर रही है? मैं बहुत परेशान हूँ, फारूक मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो तुम्हें, उस घटिया इंसान की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? क्या चाहता है? कैश चाहता है, जो पहले मैं उसे दिया करती थी। अब जब से मैंने उसे दूसरी लड़की से फ्लर्ट करते हुए पकड़ा है, मैं उसे कुछ नहीं देती। तुम उसका नंबर ब्लॉक कर दो, उसे मिलने की या कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने उसे ब्लॉक करके देखा था, लेकिन वो घर के बाहर आ जाता है। क्या? वो मुझे डिफरेंट नंबर से कॉल्स करता है, मैसेजेस करता है। परसों तो वो घर के बाहर आ गया था। तुम एक काम करो, तुम ये सारी बातें शौकत और राहिल से डिस्कस कर लो, वो उस घटिया इंसान का दिमाग दुरुस्त कर देंगे। उसकी उसकी इतनी हिम्मत क्यों इस घर में आ गया? तो मैं उनको, डैड को ये सब बातें नहीं बता सकती। वो फारूक के पास मेरे पिक्चर्स हैं, और अगर वो पिक्चर्स डैड ने देख ली तो मुझे जान से मार देंगे। और मैं कसम खाती हूँ, वो पिक्चर्स मेरी नहीं है, वो सारी एडिटेड पिक्चर्स है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, उसमें मैं नहीं हूँ, मुझे ब्लैकमेल कर।